गुजारिश की जाती है एज पर डायरेक्शन गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन रिगार्डिंग कोविड-19 20/7/2021 को हुक्मनामा जारी हुआ है। बड़ाई कर्म तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो इस हुक्मनामे का पालन करें, एक मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे, वायलेशन करने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक मास्क न लगाने पर मौके पर ही 300 रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखो जी, डीसी साहब का आर्डर है, गवर्नमेंट का आर्डर है, एलजी साहब का आर्डर है कि 50% दुकानें खुली रहेंगी, 50% बंद रहेंगी। लॉकडाउन तो पिछले साल भी हुआ, उससे पहले 2019 में भी यहाँ कर्फ्यू रहे, हमने वो भी परेशानियाँ झेली। अब 2020 में जो लॉकडाउन रहा उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, अभी तक वो नुकसान हमें पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि अब फिर ये मुश्किल आ गई। वैसे भी काम यहाँ पर बहुत कम है, ऐसा भी कोई काम शाम है नहीं निकला है। SOPs जो निकाले गए हैं उस पर हमें अमल करना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्कों का इस्तेमाल करें और साथ में जो 50% दुकानें हैं वही खुलें और लोग भी बाजार में काम आएं। बाकी मेरी तरफ से आवाम के भी ये अपील है कि मेहरबानी करके वो कोशिश करें कि बहुत कम बाजार आएं, जब उनको ज़्यादा मजबूरी हो तभी आएं, इस तरह बाजार में घूमने के लिए ऐसे चक्कर लगाने के लिए ना आएं। जैसा कि आपको पता है कोविड की सेकंड वेव बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी है और सारे मुल्क की तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए इसके चलते डिप्टी कमिश्नर रामबन ने जो ऑर्डर निकाला है 50% शॉप्स ओपन रखने का, वो सिर्फ म्यूनसिपल लिमिटेड ऑफ बानिहाल है। म्यूनसिपल लिमिटेड क्योंकि रामबन में यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, बटोत में है और बानिहाल में है, बाकी विलेजेस में अभी तो वो ऑर्डर नहीं है, बट मेन मार्केट जो बानिहाल का है वो म्यूनसिपल लिमिटेड में आता है, तो उसमें वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और आज की डेट में आपने भी देखा होगा कि लोगों ने भी कोऑपरेट किया हमारे साथ, शॉपकीपर से हमने मीटिंग भी की थी इस बारे में, तो उस हिसाब से ही चल रहा है ताकि लोगों की भीड़ कम रहे और ये जो चेन है वो हम ब्रेक कर पाएँ कोविड की और ये आगे ज़्यादा ना बढ़ पाए। जो आपने कहा कि 50% ऑफ अटेंडेंस इन दिस बसेस, तो वो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, कल आपने देखा होगा पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई, 4 FIR लॉन्च किए गए जो वायलेटर्स थे, और आज हमने देखा बहुत कॉपरेट किया यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी, और वो भी 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर्स जो भी आ रहे हैं आजकल रिगार्डिंग कोविड-19, ये लोगों की बेहतरी के लिए हैं कि अगर हम ऐसे क्राउड्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर इसी तरह से भीड़ मार्केट्स में जमा होती रही तो खुदा न खास्ता फिर इतनी ज़्यादा हम यहाँ पे इंसिडेंस हो जाएगी केसेस की कि हम ओवरवेलम हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट का यही इंटेंशन है कि कम से कम लोग बाहर निकलें, जिसको अशद ज़रूरत हो किसी चीज़ की तभी वो मार्केट की तरफ रुख करें, तो उस ज़मन में ये 50% शॉप्स खोलने का और बाकी 50% बंद रखने का ऑर्डर भी आया है। हमारी तरफ से मैसेज यही है लोगों को कि वो SOPs का पूरा ध्यान रखें और फेस मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, ऐसे ही अननेसेसरी ट्रैवल करना या अननेसेसरी बाहर निकलना अवॉइड करें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब ही बाहर निकलें। और जैसे अगर घरों में 5 लोग हैं तो 5 के 5 बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कोई सामान लाना है तो एक ही बंदा जा सकता है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी बचाएं, क्योंकि इस वेव में हमने देखा कि बच्चे भी अब शिकार बन रहे हैं इस वायरस का। तो आप रोज़ देखते हैं टीवी पे भी कि हर बाकी स्टेट्स में कितनी बुरी हालत है, तो उससे बचने के लिए लोग एहतियात बरतें। इनिशियल लास्ट ईयर जैसे कोविड वेव थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ हमें SOPs फॉलो करनी थी। इस बार हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्सीनेशन की। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है कि 45 ईयर्स से अब वो जो है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स यहाँ रखे हैं जगह जगह पर और उसकी इंफॉर्मेशन भी लोगों को है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वैक्सीनेशन के लिए और ख़ुद को बचाएं इस मौलिक बीमारी से। और आगे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि आगे अब ये यूनिवर्सल सारे एडल्ट्स को
वैक्सीन दिया जाएगा, तो उसमें भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सारे आगे आएं और वैक्सीनेशन कराएं।